नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट के इस रिव्यू में। मैं हूं अभिनव। कल गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस को 62 रन से हराकर लगातार दूसरी साल फाइनल में अपनी जगह बना लिया है। अब फाइनल में इस टीम का मुकाबला होगा 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से, जो कि पहले से ही इसी टीम को क्वालिफायर 1 में हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। वहीं गुजरात टाइटंस ने इस जीत के साथ कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। तो आइए वीडियो के जरिए आपको बताते हैं गुजरात टाइटंस के रिकॉर्ड्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस अगर कल का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स को हरा देती है तो फिर यह तीसरी टीम बन जाएगी सीएसके और मुंबई इंडियंस के बाद जो कि अपने टाइटल को डिफेंड कर पाएगी। यह कारनामा सबसे पहले धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने किया था 2010 और 2011 में, जो लगातार यह टीम आईपीएल की ट्रॉफी पहली और दूसरी बार जीती थी। वहीं मुंबई इंडियंस ने इस कीर्तिमान को हासिल किया था 2019 और 2020 में, जब इस टीम ने लगातार 2 साल ट्रॉफी जीते थे। तो कल गुजरात टाइटंस के पास एक सुनहरा मौका है कि वो इस सूची में अपना नाम दर्ज करवा ले। इसके बाद गुजरात टाइटंस ऐसी पहली टीम है जो कि आईपीएल में एक नई टीम बनकर आई और लगातार 2 साल फाइनल खेल गई। इससे पहले कई टीम आईपीएल इतिहास में आई और गई, मगर इस मुकाम को हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने छुआ है। इसके बाद गुजरात टाइटंस ऐसी पहली टीम है जो कि आईपीएल में एक नई टीम बनकर आई और लगातार 2 साल फाइनल खेल गई। इसके बाद गुजरात टाइटंस ऐसी पहली टीम है जो कि आईपीएल में एक नई टीम बनकर आई और लगातार 2 साल फाइनल खेल गई। इससे पहले कई टीम आईपीएल इतिहास में आई और गई, मगर जिस मुकाम को हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने छुआ है वो और किसी ने नहीं किया है। कोची टस्कर्स, केरल, पुणे वॉरियर्स इंडिया, गुजरात लायंस, पुणे सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स जैसे टीम आई, मगर इस कीर्तिमान को सिर्फ गुजरात टाइटंस ने हासिल किया। वहीं आईपीएल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीजन का ओपनिंग मुकाबला जिस 2 टीम के बीच खेला गया वही उस सीजन का फाइनल और अंतिम मुकाबला भी खेल रही है। 31 मार्च 2023 को आईपीएल सीजन 16 का पहला मुकाबला खेला गया था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़े थे, जिसमें सीएसके को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। पैच, अब कल कौन सी टीम जीत हासिल करती है यह देखने वाली बात होगी। हालांकि इतिहास गवाह है कि चेन्नई सुपर किंग्स के सामने और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। सीएसके जहां गुजरात को अब तक 4 में से 1 मुकाबला ही हरा पाई है, तो वहीं गुजरात टाइटंस 3 बार जीत हासिल कर पाई है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात का विनिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि पिछले साल चैंपियन भी इसी मैदान पर बनी थी गुजरात टाइटंस। तो महेंद्र सिंह धोनी को अगर कल का मुकाबला जीतना है तो कई चक्रव्यूह को भेदना होगा। वैसे आपको क्या लगता है कल का मुकाबला किसके नाम होगा? आपका जवाब जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी खेल से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।